गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मारिस लाइफ एंड ब्यूटी की। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लैक पिंक केक, यानी मेरी बेटी के बर्थडे के लिए, जिसका बहुत वो बहुत बड़ी फ़ैन है ब्लैक पिंक की, इसलिए उसने कहा कि मुझे ब्लैक पिंक केक ही चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ब्लैक पिंक केक बनाने का, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा तो दिमाग में कुछ चल रहा था, पर एसी नहीं ऑन होने की वजह से क्रीम भी मेल्ट हो रहा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था सब कुछ। अभी ठंडी बहुत कम हो गई है, इतनी नहीं है कि बिना एसी का केक बन जाए। तो मैंने इसमें वाइट क्रीम लगा दिया है और ब्रेड मैंने बनाया है चॉकलेट का, एक चॉकलेट का ब्रेड बनाया है, एक वनीला ब्रेड बनाया। अब मैं इसमें गनाश डाल के इसे कवर कर दूंगी। उसके बाद मैंने व्हिप क्रीम में गनाश डाल के इसे इस तरह से कलर कर दिया है, हल्का सा चॉकलेट कलर दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं इसमें गनाश डालूंगी, क्योंकि ब्लैक कैसे दिखेगा। तो इसे मैंने अच्छे से फिनिशिंग कर लिया, उसके बाद मैंने इसे रख दिया फ्रिज में जाकर। उसके बाद मैंने छोटे वाले मतलब केक को ऊपर रख के पिंक क्रीम से उसे स्प्रेड कर दिया। अब मैं इसमें लगा रही हूँ चॉकलेट गनाश, जिससे इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक दिखेगा, यानी ऊपर पिंक और नीचे ब्लैक रहेगा। और मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं सजाने के लिए, तो मैंने बस वाइट चॉकलेट से गनाश बनाया है पिंक कलर का, जिसे मैं ऊपर लगा रही हूँ, और हल्के हल्के मैंने इसमें स्प्रेड भी कर दिया इस तरह से पिंक वाला गनाश को। और ये हमारा हो गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से स्प्रिंकल डाले, दो बटरफ्लाई लगाए और इस तरह हार्ट शेप से मैंने इसे सजा दिया। नीचे मैंने थोड़ी व्हिप क्रीम से डिज़ाइनिंग कर दी है, लेकिन मैंने जिसे कहा कि क्रीम मेल्ट हो रहा था, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यह है इसका पूरा लुक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।